यहाँ ध्यान देंगे, कल हमने अपना सब खत्म कर लिया था, देखा कि अभिलंब स्वरूप भी खत्म कर लिया था, जितने प्रकार के समीकरण होते हैं इसमें मुख्य है अंतःखंड स्वरूप, प्रवणता स्वरूप और अभिलंब स्वरूप, तीन मुख्य हैं, अंतःखंड स्वरूप, प्रवणता स्वरूप और अभिलंब स्वरूप। अगर हमें अंतःखंड निकालने हैं तो हमें समीकरण की तुलना कैसे करनी पड़ती है, श्रद्धा अंतःखंड स्वरूप से, है ना। अगर हमें प्रवणता निकालनी है तो समीकरण की तुलना कैसे करनी पड़ती है, प्रवणता स्वरूप से। और वैसे ही अगर हमें क्या निकालना है, अभिलंब की लंबाई और अभिलंब में एक शक्ति से कितना कौन बना, तो अभिलंब स्वरूप तुलना करनी पड़ेगी। पर अभिलंब स्वरूप से तुलना करने से पहले बहुत दिक्कत होती है, वो मैं आपको दिक्कत समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले समझिए, ये एक समीकरण है, इसको लंब रूप में क्या करना है, परिवर्तित करना है और पी निकालना है और ओमेगा। ये सवाल लिखा है, पी क्या होता है, मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, मतलब इस रेखा पर डाले गए लंब की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब, कई बार ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। और दूसरा हमें निकालना है ओमेगा, मतलब वो जो लंब है वो एक्स अक्ष से कितना कोण बना रहा है, जो लोग कल आए थे उनको चित्र भी दिख रहा होगा। तो अब रोहित अपन एक सॉरी नॉर्मल से काम करते हैं, माइनस के ऐड काय के हो गए प्लस के, इसकी तुलना कर देंगे एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा बराबर पी से। कॉस ओमेगा का मान करनी थी, कॉस का मान करनी थी होता पता नहीं कब होता, नहीं पता। साइन ओमेगा इज इक्वल टू वन पता है, नब्बे में होता, कायम होता है नब्बे में, तो रेखा एक्स अक्ष हो जाएगी, अगर कोण लंब नब्बे अंश है तो रेखा क्या हो जाएगी, एक्स अक्ष। लेकिन ये तो एक्स अक्ष है नहीं, तो ये पर्टिकुलरली अपन गलत ही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गलत ही कर रहे हैं। तो सही क्या है, सही ये है कि आप इसकी तुलना करने के पहले इसमें अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग दें, तो आप तुलना कर पाएंगे, वरना आप तुलना ऐसी दी गई रेखा की तुरंत तुलना थोड़ी करते, उसमें भी तो बटे में लाना पड़ता है, याद है कैसा, दो एक्स बटे तीन लिखा तो क्या करना पड़ता है, तीन बटे दो, तो सीधी तुलना नहीं होगी, पहले आपको कहा से भाग देना अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी से, तो करनी तीन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर बराबर दो, समझाएं दो कैसे आया, नहीं आया, आ गया तो क्या हो जाएगा, दो दो, तो लिखेंगे पूरे समीकरण में, पूरे समीकरण में करनी तीन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर इक्वल दो से भाग देने पर करनी तीन बटे दो एक्स एक बटे दो वाई बराबर आठ बटे दो चार, नहीं आया समझ, बस हो गया। करणी तीन बटे दो एक्स, करणी तीन बटे दो क्या लिख लें, कुछ ओपन कॉस में लिखना जरूरी, साइन में ही लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, तुलना के लिए वहां पे क्या होना चाहिए, कॉस होना चाहिए, यहां पे क्या होना चाहिए, साइन, समझ रहे बेटी, तो करणी तीन बटे दो कॉस तीस, जो जो यहां वो यहां, अगर नहीं तुम्हारी तुलना आप नहीं कर पाएंगे, इस बात को आप समझें, तुलना करना क्या है जरूरी, और इतना आसान नहीं होता, बस हो गया, बस इसकी तुलना ऐसे बोलते हैं, रेखा का अभिलंब, कल लिखा था अपन ने अभिलंब स्वरूप, बोलो x cos अल्फा प्लस y x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा बराबर p से करने पर, अब आप बिंदास तुलना कर सकते हैं, cos ओमेगा बराबर cos 30, ओमेगा बराबर 30, ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, दिख रहा है कॉस 30 कॉस ओमेगा, चाहे तो साइन ओमेगा बराबर साइन 30 तो 30, और पी और बता दीजिए, चार समझ में आया बच्चों, नहीं आया काय से भाग देना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझ में आया क्या, यहाँ नहीं दिख रही रिया, रिया बेटा थोड़ा शॉर्ट में करेंगे बेटा, ये हो गया बेटा, ये दिख रहा है आपको, गौरव ध्यान से देखो, गौरव कभी भी इस तरफ जो अचर पद, देखो बेटा अभिलंब स्वरूप तुलना सबसे कठिन होती, करीब कर तुलना कितनी सरल थी, अभिलंब स्वरूप से तुलना सबसे कठिन, जो जो सर बता रहे वो नहीं सुनोगे तो बैंड बज जाएगी, वहाँ कुछ और आ जाएगा क्वेश्चन, फिर ज्योमेट्री में अधिकांश समय क्वेश्चन बता देते हैं, अधिकांश था बिकॉज इतने नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, तो नहीं तो करना है, तो जो अचर पद है वो हमेशा धनात्मक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अब पहले तो पहली बात है कि सर आपकी बात मान रहे, पर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि अचर पद जो होता है वो आगे जाके बनता है अभिलंब की लंबाई, मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की, और आप जानते हैं लंब की लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि अचर पद क्या नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं, लेकिन यहाँ तो अचर पद ऋणात्मक हो चुका है, तो हम माइनस का गुणा करेंगे, समझ में आया, एक एक कंसेप्ट पर बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा, माइनस एक्स प्लस करनी तीन वाई प्लस आठ, अब माइनस एक का स्क्वायर, सॉरी पूरे समीकरण में अंडर रूट माइनस एक स्क्वायर करनी तीन स्क्वायर, ये आएगा दो ही, माइनस एक का स्क्वायर एक, करनी तीन का स्क्वायर तीन, तीन और एक चार का वर्गमूल दो से
भाग देने पर कुछ सियाने कब गए सर वो प्लस माइनस क्यों नहीं माइनस लेंगे फिर वो अभी लंबी लंबाई समझते नहीं हो बात को माइनस एक बटे करणी दो एक्स करणी तीन बटे दो वाई बराबर आठ बटे दो चार। अब आया चैलेंज का टाइम, बहुत बड़ा चैलेंज है, छोटा मोटा चैलेंज नहीं है, ये प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है इससे एक बटे यहाँ पे एक बटे दो, यहाँ चाहिए तो कॉस है साइन तो चाहिए नहीं, आप बताइए काय का मान होता है एक बटे दो कॉस में साठ का याद इतना तो पता होना चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। माइनस एक बटे दो बराबर माइनस कॉस साठ, समझ आया बच्चों? नहीं आया? कॉस 180 माइनस साठ, आपकी जानकारी के लिए कॉस 180 माइनस थीटा मान होता है माइनस कॉस थीटा, क्या होता है ये आ गया कॉस 120। जी हाँ दोस्तों, हमें माइनस एक बटे दो को लिखना है कॉस 120 और करणी तीन बटे दो को लिखना है साइन 120। क्या साइन 120 करणी तीन बटे दो था? बिल्कुल। दूसरे चतुर्थांश में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, लेकिन कॉस क्या होता है? नेगेटिव। नहीं आया समझ? इन एनी केस आपको समझ में नहीं आ रहा है बाय चांस, नहीं आ रहा समझ में, अपनी इच्छा अपन को नहीं आ रहा समझ, तो ये समझो खूब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, वो बताया था कि जान ट्रिग्नोमेट्री प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस, पढ़ो बेटा फिर से पढ़ो, अब पढ़ो द्वितीय, तो अगर एक बटे दो का मान होता है साठ में, द्वितीय में यहाँ थीटा यहाँ माइनस थीटा यहाँ 180 माइनस थीटा यहाँ 180 माइनस थीटा का माइनस, भूल गए बेटा है ना, इसको अपन और क्या लिख सकते हैं कुछ अगर चाहो तो 180 प्लस थीटा और इसको 370 माइनस थीटा, वो 370 माइनस जीरो होता है, याद आया कि नहीं आया? तो बेटा ये मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ कि आपको तैयार करने के, मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ाया है कि इन एनी केस आपको नहीं पता, मैंने आपको समीकरण तो माइनस प्लस पता है कि आंसर कहाँ आएगा द्वितीय चतुर्थांश में कहाँ आएगा, पर सवाल तो मैं आपको सारे कराऊंगा, बस आपको बता रहा हूँ कि आप सीख सीख के करना, ऐसा नहीं कह रहे तुलना ही तो है, हो तो क्या सवाल इतना, सवाल की लेंथ देख के लोग समझते हैं कि कठिन है कि सरल है, पर वहाँ जब वाला कहा था तो बनता नहीं, इसलिए कंसेप्ट क्लियर हुए, दो दो नहीं हुए, भाग का ऐसे देना है और अचर पद माइनस का नहीं होना चाहिए। इसकी तुलना देखा गया विलंब स्वरूप एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा बराबर पी से करने पर ओमेगा इज इक्वल टू 120 पी इज इक्वल टू 4। समझ जो कोशिश करनी है कि लगभग हर प्रकार का सवाल अपने पास हो, ये बिल्कुल सरल सवाल है, वही सवाल है। इसमें ये लोग कह रहे हैं कि एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी, रेखा करणी तीन एक्स प्लस वाई प्लस दो बराबर जीरो का कौन कौन है? अभिलंब स्वरूप, नॉर्मली अपना ओमेगा होता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, इसमें ये है तो तुलना कर ले, मतलब चेंज वही करना अभिलंब स्वरूप में। सबसे पहले प्रियांशी दी गई रेखा है, बच्चों आप समझ लीजिए बहुत ही सरल लगेगा आपको, करणी तीन एक्स प्लस वाई प्लस दो बराबर जीरो, प्लस के दो उस तरफ गए तो कोई दिक्कत इसमें? अब बच्चों माइनस को गुणा करेंगे क्यों? हाँ माइनस करनी तीन एक्स माइनस वाई, समझ में आया शब्द? माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस ओ सॉरी माइनस प्लस माइनस माइनस थीटा 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा 360 माइनस, ये तो आप बना ही लो ठीक है। अब बच्चों पूरे समीकरण में दो का भाग देना, तुम्हें कैसे पता दो का भाग देना है? हाँ माइनस करणी तीन का इसका भी तीन आएगा और एक को, तो माइनस से फर्क नहीं पड़ना है। चलिए माइनस करणी तीन बटे दो प्लस माइनस एक बटे दो, प्लस इंटू माइनस माइनस ही हो जाएगा, वाई बराबर दो बटे दो, थक गए बच्चों दो बटे दो क्या आ गया एक। अब ये काय का मान टेंशन में आ गया, टेंशन में आओ ही नहीं तुम तो एक बटे दो बताओ काय का मान होता है साइन में, तीस का तीस नहीं लिखेंगे 180 प्लस तीस, तीसरा है ना? नहीं आया समझ? और अगर यहाँ पे प्लस होता तो माइनस प्लस द्वितीय, तो तीस नहीं लिखते, 180 माइनस तीस 150 लिखते, क्या लिखते? नहीं आया समझ? और अगर यहाँ ये माइनस है ही माइनस ये ले होता तो 300 माइनस 60 कितना लेते 330, अब माइनस वाले लेंगे तो भी चलेगा लेकिन यही सही है अभी तो ठीक है, बुक एनसीईआरटी में इसी को प्रेफर किया है, बस इसको लिख लेंगे अपन, ये कितना आ जाएगा साइन 210 और ये आ जाएगा कॉस
210। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। मीन कौन समझ में आ रहा है कि नहीं? बाकी सब तो फालतू आ रहा है। चलिए तो कब कौन सा लिखना है समझ में आ रहा है? कर्णी बेटे 2 cos 30 का मान होता है। cos 30 का क्या लिखा? 180 + 210। चलिए इसकी तुलना, नहीं तुलना काय को दिया है, इसका अभिलंब स्वरूप बोलो जरा। एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी है, तो थीटा बराबर 210, पी बराबर 1। समझ आया बच्चों? नहीं आया? देखिए दोस्तों यहां पर मैंने चारों सवाल इतनी लाइन से लिखे हैं कि आपका भी मन खुश हो जाए। एक्स माइनस वाई बराबर 4, ये अगला समीकरण है। इसमें भी वही निकालना है, अभिलंब की लंबाई और अभिलंब द्वारा एक्स दी गई रेखा है। यहाँ पे 1 का स्क्वायर और इसका गुणांक 1 है और इसका गुणांक क्या है? दैट इज इक्वल टू करनी 2 से भाग देने पर 1/2x - 1/2y - 4/2 करनी। जिसको नहीं आता कि 4/2 करनी 2 करनी 2 कैसे होता है, वो हर का परिमेयकरण करना सीखो, ठीक है? बन जाएगा ये। अब आते वापस, 1/2 करनी 2 अपने मन में क्या आ रहा? 45 क्या आ रहा है? बिल्कुल सही है, लेकिन प्लस माइनस कहाँ आता है? तृतीय में। तो 45 नहीं, 360 माइनस 45। नहीं आया समझ? 45 नहीं क्या? 360। जैसे यहाँ 30 नहीं, 180 प्लस 30। तो इस बार तो मैं लिख ही देता हूँ, x cos 360 माइनस 45, y sin 360 माइनस 45, ठीक है? 4/2 करनी 2 करनी 2 करनी 2 4 करनी 2/2, ठीक है? कितना बचा? x cos 315, y sin 315, और ये अब क्या? तुम 2 करनी 2 तुलना x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा से बराबर p से करने पर ओमेगा बराबर 315 और p बराबर 2 करनी 2। इस प्रकार लिखना आता है, मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई 2 करनी 2। श्रद्धा को नहीं आ रहा समझ में? श्रद्धा बच्चों एक बहुत बढ़िया सवाल है और आखिरी सवाल, इसे ध्यान दीजिएगा। 5वां सवाल देखिए भैया, मैं एक बार लिख सकता हूँ तुलना करने पर और ये करने पर, हमेशा नहीं लिख सकता, ध्यान दीजिए। y - 2 = 0। कोई इतने सारे बच्चे थे, बताओ इस रेखा ये क्या खास बात है? x का गुणांक नहीं है, मतलब x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रही, मतलब x अक्ष के समान। तब धन्यवाद दे सकते हैं हम, इसका चित्र बना सकते हैं। समझ में आया? तो मूल बिंदु से ये देखो, ये रेखा है बेटा y = 2। खुशबू ये बताओ मूल बिंदु डालेगा लंब की लंबाई 2, कौन x अक्ष के साथ? 90। बिना करे ही बता दिया हमने, कहा ग्राफ खींच लो आप इसका, तो बिना करे, लेकिन अपन को तो करेंगे। तो यहां से आ गया बेटा y = 2। कोई दिक्कत है? अब बच्चों इसको लिखेंगे 0x + 1y = 2। नहीं लिख सकते, बताओ साइन का मान 1 कब होता है? 90 में। और कॉस का मान 0 कब होता है? कल बोलोगे। तो y साइन, ये 0x कहां से आ गया ये पूछ रहे होगे? x cos 90। जल्दी से मेरे प्रिय विद्यार्थी बोल दें, ओमेगा बराबर 90 अंश, पी बराबर 2। और अगर आप खींचें भी तो भी देखो ये रेखा है, ये डालेगा लंबे की लंबाई, वो तो 2 ही होगी ग्राफ पे। और कोण कितना है? x अक्ष से बना है, सॉरी हाँ अभिलंब, अभिलंब ये है, उसने x अक्ष से कितना कोण बनाया? 90 अंश का। नहीं आया ना समझ? हम रेखा का सोचने लगे। आदित्य इस सवाल में हमें निकालना है ढाल और y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड। आप सभी जानते हैं y = mx + c, जिसको प्रवणता स्वरूप कहते हैं, उसमें m होती है ढाल मतलब प्रवणता, सी होता है y अक्ष पे काटा गया अंतक। तो पता है किससे तुलना करनी है? अब एक बार नहीं, क्योंकि खत्म होने वाला है, पेपर में लिखा नहीं आता है कि इससे तुलना करनी, ये थोड़ी लिखा आएगा पेपर में, तो जो पूछा वो करना पड़ेगा। तो पेपर में कई बार आपसे पूछ लिया, जैसे मान लिया को पता है आपसे पूछा ओमेगा और पी, तो पता है कि अभिलंब स्वरूप तुलना करनी, पूछा x अक्ष पे काटा गया अंतखंड y अक्ष पे, तो अंतखंड स्वरूप से, और मान पूछ लिया प्रवणता और y अक्ष पे, तो प्रवणता हो तो प्रवणता स्वरूप से। अब पेपर में, अब पेपर है डिपेंड, 4 नंबर का आता है, तो अगर ये पूछ ली 4 चीज तो फिर कैसे करोगे? फिर दोनों से तुलना करनी पड़ेगी। तो आप ऐसा, सर आपने ये तो कराया ही नहीं है सर, नॉर्मली ऐसा होता ही है 4 चीजें पूछते, बिकॉज ये तुम्हें कठिन लग रहा है, ये बहुत ही सरल है, इसमें क्या क्या सवाल है देखे तुम लोगों ने, लंब डालना है और रेखा खींचनी है, ये तुलना करने वाले हैं क्या? अगर आप आराम से पढ़ो ना 10 मिनट में इसका रिविजन हो जाएगा, और आप खुद कहो कि हम कर देंगे।
तो नॉर्मली अगर चार नंबर का आएगा तो चार चीजें ही आती हैं, ओमेगा पी एम सी या ओमेगा पी और ए बी। तो कम से कम एक सवाल में दो सवाल तो रहेंगे, और ये सवाल इतने बड़े नहीं है, चार नंबर बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो अगर आए तो हम तो ये सलाह देंगे पाँच और चार के, हम तो सुबह कहते पाँच चार के पहले करो। तो चार का इतना बढ़िया क्वेश्चन तुलना कई बार आ जाती है, इसमें एक से एक सवाल अभी आधा अध्याय भी नहीं हुआ है, इतने गजब गजब क्वेश्चन है इसमें, क्या बताएं। इसे मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जो सरल है उनको तो करा ही लें, तो बहुत सरल है। तो इसमें अपन को निकालना है क्या, ढाल और वाई एक्स पे काटा गया अंतःखंड, और ढाल और एक्स एक्स पे काटा गया अंतःखंड। तुलना y बराबर एम एक्स माइनस एम डी, याद है। लेकिन फिर तो मैं यही कहता हूँ कि आप y एक्स पे काटा गया अंतःखंड तो उसी से निकाल सकते हैं, अगर दोनों अंतःखंड आए हैं तो उससे निकाल लीजिए दोनों अंतःखंड। प्रवणता इससे निकल आएगी, प्रवणता इतनी ज़रूरी है कि डायरेक्ट निकालना भी आना चाहिए, वो हमको सिखा देंगे, ठीक है। सुनिए ध्यान से, सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम सबको ध्यान रखना है कि वाई का मान निकालना है, माइनस फोर वाई बराबर माइनस तीन एक्स माइनस दस, पूरे समीकरण माइनस चार का भाग देने पर माइनस तीन एक्स बटे माइनस चार माइनस दस सॉरी बटे माइनस चार, कोई दिक्कत। y बराबर तीन बटे चार एक्स प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बोलना पड़ेगा पाँच बटे दो। इसकी तुलना रेखा के प्रवणता रूप लिखना है तो लिखो, पढ़ना सीधा y बराबर एम एक्स प्लस सी से करने पर एम बराबर तीन बटे चार सी बराबर पाँच बटे दो, चार नंबर की चीज़ रखना, लिखना यहाँ आता है रेखा की ढाल, रेखा द्वारा वाई एक्स पे काटा गया अंतःखंड, इतना हम लिखेंगे बोर्ड पे तो कितना टाइम लग जाएगा। अगला सवाल पढ़ो बेटा, ये ठाकुर सिक्स एक्स प्लस थ्री वाई, सबसे पहले वाई को यहीं छोड़ना, सुन लो यार कभी जिंदगी सुनती नहीं हो, क्या हो गए माइनस के छः एक्स और पूरे समीकरण में तीन का, बेटा कल बोलोगे सुपारी दी मुँह में सुपारी खाए हो तो बोलो, तीन का भाग दिया, तीन का भाग दिया माइनस छः बटे तीन। कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे सर यहाँ नहीं दिया, माइनस दो एक्स प्लस पाँच बटे तीन, इसकी तुलना वाई बराबर एम एक्स प्लस सी से, एम बराबर माइनस दो सी बराबर पाँच, एम माइनस का हो सकता है बिल्कुल, बढ़ती हुई रेखा नहीं होगी गिरती होगी हमारे। चलो अगला बताइए, तीसरा x प्लस सेवन वाई इज इक्वल टू जीरो। अब सुनो बच्चों का जब की बात, जब किसी रेखा के समीकरण में अचर पद नहीं होता है या कहीं किसी भी रचना चाहे वृत्त हो चाहे शंकु हो हजार पढ़े हुए उसके समीकरण में अचर पद नहीं हो तो इसका मतलब है वो रचना मूल बिंदु से उकर जा रही है। कहाँ से उकर जा रही है, x का मान रखो जीरो रखो, y का मान कितना आएगा, y का मान जीरो रखो x का मान कितना आएगा जीरो, समझ में आया। तो चाहे वृत्त का समीकरण कोई भी समीकरण अगर वो रचना कहाँ से होकर जाए मतलब अचर पद उसमें नहीं है तो वो रचना कहाँ से हो जाएगी मूल बिंदु, नहीं आया सर। माना रेखा का समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो व्यापक समीकरण, चूंकि यह रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है मूल बिंदु उसको संतुष्ट करेगा, ए इंटू जीरो बी इंटू जीरो सी जीरो जीरो सी बराबर जीरो, शर्त ही है अगर कोई भी रचना मूल बिंदु से होकर जाएगी तो उसके समीकरण में अचर पद नहीं होता है, समझ में आया। x का गुणांक नहीं तो x अक्ष के समांतर, y का गुणांक नहीं तो y अक्ष के समांतर, और अचर पद नहीं तो मूल बिंदु से होके जाए, समझ में नहीं आया, समझ भाई साहब समझ नहीं आया तुम्हें यार। ये है रेखा का व्यापक समीकरण, ये रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है, ये रेखा x अक्ष के समांतर और ये मतलब x अक्ष को काटती, और ये y अक्ष के मतलब y अक्ष को काटती। समझने की बात है कि अगर रेखा मूल बिंदु से होकर जाएगी तो ना वो x अक्ष को काटेगी ना वो y अक्ष को काटेगी, तो x अक्ष पे काटेगा अंतःखंड भी जीरो रहेगा और y अक्ष पे काटेगा। आपकी जानकारी के लिए अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं x बटे जीरो सात वाई बटे जीरो बराबर एक, तो x बटे जीरो y जीरो बटे सात बराबर एक, एक्स बटे जीरो प्लस वाई बटे जीरो बराबर एक, तुलना कर लीजिए x पे काटा गया अंतःखंड जीरो y x पे काटा गया अंतःखंड जीरो। तुलना नहीं करते लोगों को पता रहता है, लोगों को पता रहता है, समझ में नहीं आया ना, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब ये पढ़ा बुरा मान गया क्या बड़े भैया नहीं बताया आप कहो तो हम कभी नहीं बताएं, हमें क्या दिक्कत है, ठीक है आपको ज्ञान होना चाहिए, समझ लो कॉन्सेप्ट। जब सर है यहाँ देख के पता सर बोल देते इसका ये इसका ये, कभी ना कभी तो हमें भी ऐसे करना पड़ेगा ना, तो बन जाएगा। चलिए अपन अपना काम करते हैं, अपन तो वाई का मान निकालते हैं, सेवन वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स
y इज इक्वल टू माइनस एक बटे सात एक्स, सही है। इसकी तुलना y बराबर एम एक्स प्लस सी से कर लें, एम बराबर माइनस एक बटे सात, सी बराबर क्यों तो प्लस जीरो लिख लेंगे, क्या फर्क पड़ता, समझ में आया सभी को? तो ये तो हम पहले ही बता देते कि अंतखंड जीरो होगा, क्यों? हाँ सो भी जाती है मूल बिंदु, वो मूल बिंदु जाएगी तो ना एक्स अक्ष में अंतखंड काटेगी ना, समझे कि नहीं समझे? चलो अगला बताओ, वाई बराबर जीरो, बच्चे बच्चे को बताइए कौन सी रेखा है वाई बराबर जीरो, ये एक्स अक्ष का बेटा ऑब्जेक्टिव माध्य इकाई का समीकरण है, एक्स अक्ष का समझो वाई बराबर एक एक्स अक्ष के समांतर एक, तो वाई बराबर जीरो काय का समीकरण है, एक्स अक्ष का समीकरण, अब क्या बोल रहे हैं, चलो वाई बराबर एम एक्स प्लस सॉरी इसको लिख लो वाई बराबर जीरो एक्स प्लस जीरो, नहीं लिख सकते, इसकी तुलना वाई बराबर एम एक्स प्लस सी से करने पर एम बराबर जीरो सी बराबर जीरो, क्यों? अरे भैया एक्स अक्ष है उसमें ढाल तो होती नहीं है, उसमें ढाल तो प्रमाणता हो गई जीरो, और एक्स अक्ष तो मूल बिंदु कर तो जाएगी, तो नहीं आया ना। बच्चों अब मैं आपको प्रवणता निकालना, ये तुलना करके बहुत अच्छी बात है, प्रवणता निकालना बहुत ज़रूरी है, प्रवणता निकाले बिना कुछ भी नहीं होता है। तो प्रवणता निकालने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, अगर रेखा अपने व्यापक रूप में है, कौन से रूप में है, तो उसकी जो प्रवणता है वो आती है माइनस ए अपॉन बी, माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक, देखिए माइनस तीन बटे माइनस चार, कहाँ गए, तीन बटे चार सही है, माइनस छः बटे तीन, माइनस दो नहीं आया समझ, एक बटे सात काय के माइनस के, नहीं आया समझ, यहाँ कुछ है नहीं तो अब तो जीरो बटे जीरो ही आ जाएगी, नहीं आया ना समझ, तो ये ट्रिक है आप इसको लिख लीजिए और एक तो सवाल देखिए, प्रवणता बताओ माइनस तीन बटे और इसकी अचर पद को प्रवणता से कोई एक्स वाई के गुणांक होते हैं। दोस्तों अब हमें दो रेखाओं के बीच का कोण निकालना है, और वो आयत ने पहले सिखा दिया दो रेखाओं के बीच का कोण निकालना, पर इस बार रेखाओं की प्रवणता नहीं दी है, रेखाओं के समीकरण दिए, मैं चाहूंगा कि बोले दी गई पहली रेखा है y माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, और कुछ और कुछ बस हो गया ना, y बराबर अंडर रूट थ्री एक्स प्लस फाइव, इसकी तुलना y बराबर एम वन एक्स प्लस सी वन से करने पर एम वन बराबर करनी तीन, बाकी और हमें कुछ चाहिए नहीं है, दी गई कल बोलोगे अंडर रूट थ्री माइनस एक्स बराबर जीरो, करनी तीन वाई बराबर एक्स प्लस एक्स एक्स माइनस सिक्स, वाई बराबर एक बटे करनी तीन एक्स माइनस छः बटे करनी तीन, इसकी तुलना वाई बराबर एम टू एक्स प्लस सी टू से करने पर एम टू बराबर एक बटे करनी तीन, समझ में आया क्या? यदि दोनों रेखाओं के बीच का कोण थीटा हो तो एम सॉरी टेन थीटा बराबर एम टू माइनस एम वन माइनस एम टू कर लें क्या, मैंने बताया था इससे कोई फर्क लेकिन क्या लगाना है मॉड, जब तक बताया नहीं कौन कौन सा निकालना है तो हम न्यून को आने लिखते हैं, आप चाहें तो यहाँ लिख सकते दोनों रेखाओं के बीच का, भूल गए यार इसी चैप्टर में पढ़ाया था हमने, दोनों रेखाओं के बीच का न्यून कोण क्या है, थीटा है, चलिए बताइए करनी तीन माइनस एक बटे करनी तीन, करनी तीन करनी तीन से करनी तीन, करनी तीन करनी तीन में तीन माइनस एक बटे, किसी ने मारा है तुम लोगों को, हाँ बात तो निकल रही है तुम लोगों की, दो बटे करनी तीन बटे दो, दो से दो टेन थीटा बराबर एक बटे करनी थी, उसका मॉड भी एक बटे करनी थी नहीं आएगा, एक बटे करनी थी मान होता है टेन तीस का थीटा बराबर तीस, जो अच्छे बच्चे वो साथ साथ लिख सकते हैं अधिक कोण, बोलो 180 भूल गए।